जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, मैंने अपने कुछ वीडियो के अंदर आप लोगों को शनि के राशि परिवर्तन के संदर्भ में, खास तौर पर कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि वालों के लिए विशेष मैंने एपिसोड बनाकर आप लोगों के सामने रखे थे, क्योंकि इनके लिए शनि का एक गोचर तीसरे, छठे, आठवें और बारहवें भाव में हो रहा है। लेकिन शनि का एक गोचर तो हर जातक के जीवन पर प्रभाव डालेगा, इसीलिए आज की वीडियो में मैं बाकी जितने भी राशि वाले हैं या लग्न वाले हैं उनके संदर्भ में आपको डिटेल्स में दे रहा हूं। दर्शक, यदि आपका मेष लग्न या मेष राशि है तो शनि का एक गोचर आपकी कुंडली के अंदर ग्यारहवें भाव में हो रहा है, इसीलिए आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यानी मेहनत ज्यादा होगी, परिणाम कम मिलेंगे। और एक विशेष सावधानी आपको रखनी है कि यदि कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो आप पहले से किसी को भी डिस्क्लोज मत करिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। आपको आपके परिणामों के अंदर सुधार अवश्य महसूस होगा। वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए शनि का जो राशि परिवर्तन है ये दशम भाव में हो रहा है, और दशम भाव के अंदर ये जो परिवर्तन हो रहा है शनि का, ये उनके लिए शुभ रहेगा और उनके कामकाज में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी और उनकी पदोन्नति हो इसकी संभावना भी बनेगी। ऐसे में आपको अपने करियर के लिए ये जो 2.5 साल है वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए ये अत्यंत शुभ फल देने वाले हैं। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए शनि का राशि परिवर्तन उनके नवम भाव में हो रहा है, इसीलिए भाग्य में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी और पिता के संदर्भ में अगर कोई चिंता है तो उससे आपको मुक्ति भी जरूर मिलेगी। शनि का यह परिवर्तन आपके लिए शुभ है और इसका पूरा फायदा आपको अपने लिए अवश्य उठाना चाहिए। सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए शनि का यह परिवर्तन उनके सप्तम भाव में हो रहा है, इसलिए दाम्पत्य जीवन के अंदर कुछ कड़वाहट बढ़ेगी, पति पत्नी के संबंध थोड़े मधुर नहीं रहेंगे, विवाह के प्रस्ताव थोड़े विलंब से आएंगे या विवाह होने में दिक्कत आएगी और आपके डेली सोर्स ऑफ इनकम में कुछ कमी हो इसकी संभावना भी बनेगी। साथ ही पार्टनरशिप में यदि आप काम कर रहे हैं तो वहां पर भी कुछ गतिरोध अवश्य पैदा होंगे। तुला राशि और तुला लग्न वाले व्यक्तियों के लिए शनि का यह परिवर्तन आपके पंचम भाव में बन रहा है, इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो है उनको विशेष सफलता मिलेगी, अकस्मात लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे और मानसिक शांति भी इस समय पर आपके लिए रहेगी। और अगर कोई भी बड़ा काम आप करना चाहते हैं तो इस समय ढंग से यदि प्लानिंग करके आप करेंगे तो आपको सफलताएं जरूर मिलेंगी। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आपका ये जो शनि का परिवर्तन है वो आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में हो रहा है, जो माता के लिए थोड़ा कष्टकारक रहेगा। संपत्ति से संबंधित कुछ विवाद होने की संभावना बनेगी। यदि आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी विलंब होगा और आपकी सुख सुविधाओं में भी थोड़ी कमी अवश्य आएगी। मकर राशि वालों के लिए शनि का यह परिवर्तन उनकी कुंडली के अंदर सेकंड हाउस में हो रहा है, जो उनके धन में वृद्धि कराएगा। परिवार के अंदर कोई सुखद आयोजन हो इसकी संभावना बनेगी, धन लाभ भी होगा और इस समय पर आपके सभी आर्थिक कार्य आसानी से संपन्न होंगे। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए शनि का यह परिवर्तन उनके लग्न में ही हो रहा है, जो उनके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेगा। विवाह प्रस्ताव भी आसानी से आए और विवाह होने की संभावना बने इस समय पर, इसकी संभावना भी बनेगी। आपका पराक्रम भी बढ़ेगा और नए लोगों से भी आपकी मुलाकात सुखद रहेगी। दर्शकों, मैंने आपको शनि के इस राशि परिवर्तन का एक डिटेल एनालिसिस दिया है। इसमें मैंने चार लग्न और चार राशि वालों को नहीं इंक्लूड किया है, उनके संदर्भ में मैं अलग से वीडियो पहले ही बना चुका हूं, क्योंकि वो राशि परिवर्तन उनके लिए तीसरे, छठे, आठवें और बारहवें भाव में हो रहा था, इसीलिए उनको विशेष कुछ सावधानियां बतानी आवश्यक थी, इसीलिए मैंने उसके लिए एक अलग वीडियो बनाई है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने बाकी के सभी राशि और लग्न वालों के लिए डिटेल में आपको बताया है कि शनि का यह परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।